बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट है हमारा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, आदि आज़म और जुज़ाफ़ेकल में ताल्लुक। आदि आज़म और जुज़ाफ़ेकल में ताल्लुक को हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ए और बी दो अलजेब्रिक जुमले हों और उनका आदि आज़म एच और जुज़ाफ़ेकल एल से ज़ाहिर किया जाए तो हमारे पास एक फार्मूला आता है कि ए इंटू बी बराबर है एच इंटू एल। यानी क्या है, दोनों कसी रकमियों का हासिल ज़रब बराबर है आदि आज़म ज़रब जुज़ाफ़ेकल। हम जानते हैं कि आदि आज़म क्या है, हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुश्तरक, और ये तमाम जुमलों को मुकम्मल तकसीम करते हैं। एलसीएम फिर क्या है, एल क्या है, जुज़ाफ़ेकल ये वो अलजबरी जुमला है जो दोनों जुमले इसको पूरा पूरा तकसीम करते हैं। इसमें मुश्तरक और गैर मुश्तरक दोनों कसीर रकमियाँ शामिल होती हैं, अज्जाए ज़रबी शामिल होते हैं। आइए हम इसको साबित करते हैं कि ए ज़रब बी बराबर है आदि आज़म ज़रब जुज़ाफ़ेकल, ए बी बराबर है एच एल। सबूत, फ़र्ज़ करें हमारे पास ए बटा एच बराबर है एक्स, बी बटा एच बराबर है वाई। क्या मतलब है इसका कि पहले अलजब्रिक जुमले में जो मुश्तरक हैं, जो कामन हैं, अज्जाए ज़रबी हैं, उसको अगर आप उस पर तकसीम करें तो गैर मुश्तरक आ जाते हैं, वो एक्स है। इसी तरह दूसरे अलजब्रिक जुमले में मुश्तरक यानी आदि आज़म पर जो मुश्तरक हैं उनमें अज्जाए ज़रबी, उन पर तकसीम किया जाए तो गैर मुश्तरक वाई की शक्ल में हमारे सामने आ जाते हैं। हमने कहा कि ए बराबर है एच उसेट गया ज़रब का है एच एक्स हो गया, बी बराबर है एच वाई। तो अब हम जानते हैं कि जुज़ाफ़ेकल किसके बराबर होता है, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरक। अब मुश्तरक हमारे पास अज्जाए ज़रबी कौन से होते हैं, आदि आज़म होता है एच। दोनों हमने इससे पहले जो सेशन लिया उसमें हम आदि आज़म यही है कि दोनों में मुश्तरक एक जैसे, ज़रब गैर मुश्तरक। गैर मुश्तरक क्या है, एक्स और वाई है। क्यों, हमने इस पर इसको पहले अलजेब्रिक जुमले को आदि आज़म पे तकसीम किया, दूसरे को किया, तो गैर मुश्तरक रकमें हमारे पास जुमले हमारे पास आए वो एक्स एंड वाई है। तो जुज़ाफ़ेकल बराबर है आदि आज़म इंटू गैर मुश्तरक पहले जुमले के और गैर मुश्तरक दूसरे जुमले के। तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, एच से इसको ज़रब देते हैं, इधर भी एच से ज़रब दिया, यहाँ पर भी दिया, तो हमारे पास क्या हुआ, एच एल बराबर है, एक एच को हमने एक्स के साथ रखा, दूसरे को वाई के साथ रखा। तो हम मसावात एक और दो की मदद से जानते हैं कि आदि आज़म ज़रब गैर मुश्तरक पहले जुमले का ये क्या कहलाता है, ए। आदि आज़म यानी मुश्तरक ज़रब गैर मुश्तरक ये हमारे पास जुमला बी है। तो इस तरह हमने साबित कर दिया कि आदि आज़म ज़रब जुज़ाफ़ेकल बराबर है पहली रकम ज़रब दूसरी रकम। तो आदि आज़म ज़रब जुज़ाफ़ेकल बराबर है पहली कसीर रकमी ज़रब दूसरी कसीर रकमी। अगर ए और बी दो अलजबरी जुमले हों तो पहले हम आदि आज़म मालूम करते हैं और उसके बाद हम जुज़ाफ़ेकल मालूम करते हैं, ये भी आपने जहन में रखना है। तो हमारे पास फार्मूला है आदि आज़म और जुज़ाफ़ेकल में जो ताल्लुक का, वो पहली कसीर रकमी ज़रब दूसरी कसीर रकमी बराबर होती है आदि आज़म ज़रब जुज़ाफ़ेकल। आदि आज़म को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, एच से, जुज़ाफ़ेकल को हम एल से ज़ाहिर करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन फैक्टर, आइए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास मिसाल नंबर 6.8 है, दो कसीर रकमियों का आदि आज़म और जुज़ाफ़ेकल बिलतरतीब एक्स माइनस टू और एक्स की 3 - 8x2 जमा 16x-3 है। अगर एक कसीर रकमी एक्स की 2 - 5 एक्स जमा 6 हो तो दूसरी कसीर रकमी मालूम करें। आइए सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि आदि आज़म, आदि आज़म को हम किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं, एच से। वो क्या है हमारे पास, एक्स माइनस टू। ये भी हमें पता होता है कि मुश्तरक मुख्तसर होता है, लिहाजा छोटी रकम जो है वह तरतीब से भी बताया गया कि ये आदि आज़म है। और जुज़ाफ़ेकल क्या है हमारे पास, ये हमें दिया गया है एक्स की 3 - 8x2 जमा 16x-3। अब हमें ये भी दिया गया है कि एक कसीर रकमी, अगर एक कसीर रकमी हमारे पास गिवन है एक्स की 2 - 5x जमा 6, तो क्या मालूम करना है हमने,
तो दूसरी कसीर रकमी जो कि बी है हमने मालूम करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम फार्मूला जानते हैं किस चीज़ का, आदि आज़म और जुज़ा फ़ैकल में जो ताल्लुक का है वो क्या है, वो हमारे पास ए क्रॉस बी आप लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं। तो ए ज़रबे बी पहली कसीर रकमी ज़रबे दूसरी कसीर रकमी बराबर है एच एच आदि आज़म ज़रबे जुज़ा फ़ैकल। तो इस फार्मूले की मदद से हम बी की कीमत निकालेंगे। आप देखें बी यहाँ पे रहेगा तो ए यहाँ पे ज़रब का रहा है, दूसरी जगह तरफ जाके क्या होगा, तकसीम हो जाएगा। तो एच ज़रबे एल बटा ए, आओ इसकी कीमतें हम दर्ज कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एच क्या है, एक्स माइनस टू आदि आज़म ये लें, हमारे पास एल क्या है जुज़ा फ़ैकल ये दिया गया है वो है एक्स की तीन माइनस आठ एक्स की दो जमा सोलह एक्स माइनस तीन, ये दिया गया है हमें। अच्छा जी, ए पहली कसीर रकमी गिवन है, हमें दिया गया दी गई है, तो एक्स की दो माइनस पाँच एक्स जमा छः ये लें। अब हमने क्या करना है, हमने जहाँ तज्जी मुमकिन है उसकी तज्जी करते हैं। हम अगर इसको देखें यहाँ पर हमारे पास तज्जी हो रही है, तो यहाँ पर क्यूब का हमारे अगर हम मुश्तरक लेते हैं तो ये नहीं बन रहा है, तो हम इसकी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, देखिए छः है, इसका जोड़े बनाना है तो तीन दूनी छः माइनस तीन माइनस टू बन रहा है, तो आइए इसकी तज्जी कर लेते हैं। ये देखें एक्स माइनस टू इंटू एक्स की दो तीन माइनस आठ एक्स की दो जमा सोलह एक्स माइनस तीन ये लें। उसके बाद ये इसकी तज्जी एक्स की दो माइनस तीन एक्स माइनस दो एक्स वापस पाँच एक्स बनते हैं, और ज़रब दें तो छः बनता है, मनफी ज़रबे मनफी जमा तीन दूनी छः। तो आगे हल करते हैं इसको, आप देखें तो ये हमारे पास एक्स माइनस टू और ये हमारे पास एक्स की तीन माइनस आठ एक्स की दो जमा सोलह एक्स माइनस तीन, ये हमारे पास क्या मुश्तरक आया पहले दो में एक्स एक्स माइनस तीन, और यहाँ पे क्या मुश्तरक है हमारे पास माइनस दो और एक्स माइनस तीन हमारे पास बच गया, दोनों का ब्रैकेट एक जैसा आ रहा है, इसका मतलब है हमारी तज्जी सही जा रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्स माइनस टू और एक्स की तीन माइनस आठ एक्स की दो जमा सोलह एक्स माइनस तीन, अब इसमें क्या मुश्तरक है हमारे पास x माइनस तीन मुश्तरक है, और यहाँ पे क्या रह गया x माइनस दो, ब्रैकेट को हमने मुश्तरक ले लिया दोनों में से, तो x माइनस टू रह गया। अब हम देखते हैं कि ये x माइनस टू कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या रह गया है, हमारे पास रह गया x की तीन माइनस आठ एक्स की दो जमा सोलह एक्स माइनस तीन, तकसीम में क्या है x माइनस तीन, तकसीम कर लेते हैं दोनों को, सिंपल सी तकसीम है, देखें x की तीन माइनस आठ एक्स जमा सोलह एक्स माइनस तीन जी, तो तकसीम में क्या है x माइनस तीन जी, कितने पे तकसीम होगा x की दो पर, तो x की तीन माइनस तीन एक्स की दो, हमने इसे ज़रब दिया x की तीन माइनस तीन एक्स की दो जी, तफरीक कर लेते हैं अलामते चेंज ये कैंसल, क्या रह गया हमारे पास, हमारे पास रह गया यहाँ पर माइनस पाँच एक्स की दो जमा सोलह एक्स माइनस थ्री। तो आइए किस पे तकसीम होगा, माइनस फाइव एक्स पे जी, माइनस फाइव एक्स की दो माइनस इंटू माइनस प्लस पाइंथिया पंद्रह एक्स जी, फिर तफरीक करेंगे एलामते चेंज, तो ये हमारे पास क्या आया एक्स माइनस थ्री, अब कितने पे जाएगा एक पे, तो क्या आया हमारे पास एक्स माइनस तीन, और एक से ज़रब दिया तो ये दोनों कैंसल, तो हमारे पास जवाब क्या आया एक्स की दो माइनस पाँच एक्स, दोनों को तकसीम किया एक्स की दो माइनस पाँच एक्स
जमा एक, और यही हमारी दूसरी कसीर रकमी है जो कि बी कहलाती है। पस पस दूसरी कसीर रकमी जुमला एक्स की दो माइनस पाँच एक्स जमा एक है, ये नहीं। तो ये है, देखें आपने, अगर हमें हमें फार्मूला मालूम है, पहली कसीर रकमी ज़रब दूसरी बराबर है आदि आज़म ज़रब जुदा फैकल। अगर हमें तीन चीज़ें दी गई हों हम चौथी मालूम कर सकते हैं। अब हमें दिया गया था आदि आज़म जुजा फैकल और पहली कसीर रकमी दूसरी मालूम करना था, हमने फार्मूले में कीमतें दर्ज की और इसकी तज्जी कर दी। तज्जी करने के बाद जहाँ कैंसिल होता था हमने कैंसिल कर दिया और एक्स माइनस थ्री पे हमने डिवाइड कर दिया, हमारे पास दूसरी कसीर रकमी जुमला आ गया जो कि एक्स की दो माइनस पाँच एक्स जमा एक है। तो इस फार्मूले की मदद से अगर हमें तीन चीज़ें दी गई हों तो हम क्या कर सकते हैं, चौथी चीज़ मालूम कर सकते हैं। आए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल है 6.9 कसीर रकमों दो एक्स की चार जमा एक्स की तीन माइनस बीस एक्स की दो माइनस सात एक्स जमा चौबीस और दो एक्स की चार जमा तीन एक्स की तीन माइनस तेरह एक्स की दो माइनस सात एक्स जमा पंद्रह का जुजा फैकल मालूम करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं। एक हमारे पास ए है, तो ए हमारे पास क्या है, दो एक्स की चार जमा तीन एक्स की तीन माइनस तेरह एक्स की दो माइनस सात एक्स जमा पंद्रह। दूसरी कसीर रकमी क्या है, वो हमारे पास है दो एक्स की चार जमा एक्स की तीन माइनस बीस एक्स की दो माइनस सात एक्स जमा चौबीस। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका, चूँकि इनकी तज्जी करना मसला है और तज्जी के तरीके से जुजा फैकल मालूम करना मसला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आदि आज़म मालूम करेंगे। सबसे पहले आदि आज़म मालूम करते हैं दोनों का, किस तरीके से, तकसीम के तरीके थे, आदि आज़म मालूम करना। आए मालूम करते तो हम तकसीम कर लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास दो एक्स की चार जमा तीन एक्स की तीन माइनस तेरह एक्स की दो माइनस सात एक्स जमा पंद्रह। अब हम इसको रकम दूसरी लिख लेते हैं बी को, तो दो एक्स की चार जमा एक्स की तीन माइनस बीस एक्स की दो माइनस सात एक्स जमा चौबीस। जी लिख दिया, अब कितने पे जाएगा ये, इधर भी दो एक्स की चार है इधर भी है, एक पे तकसीम हो रहा है, तो दो एक्स की चार जमा तीन एक्स की तीन माइनस तेरह एक्स की दो, एक से ज़रब देंगे तो ये गया माइनस सात एक्स जमा पंद्रह। अब हम क्या करते हैं, इलामते चेंज तफरीक करना है, जब भी हम तफरीक करते हैं हम इलामते चेंज कर लेते हैं, ये कैंसल हो गया तो क्या रह गया यहाँ हमारे पास, यहाँ हमारे पास रहा माइनस, देखें माइनस थ्री है प्लस वन है तो माइनस टू एक्स की तीन, यहाँ पे क्या है माइनस सात एक्स की दो, क्योंकि ये बड़ी रकम है उसकी अलामत लगाते हैं हम, और ये जमा सात मनफी सात कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे जमा नौ, चौबीस माइनस पंद्रह ये नौ आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम उस रकम को यहाँ लिखेंगे, दो एक्स की चार जमा तीन एक्स की तीन माइनस तेरह एक्स की दो माइनस सात एक्स जमा पंद्रह। तो तकसीम करते हैं, हमारे पास यहाँ एक क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो हम माइनस वन मुश्तरक ले सकते हैं, माइनस वन मुश्तरक लेने से, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आदि आज़म में कि हम माइनस वन मुश्तरक ले सकते हैं, तो यहाँ पर इंसान मुश्तरक ले चुके हैं, तो माइनस वन जब लिया तो क्या रह गया, दो एक्स की तीन जमा सात एक्स की दो माइनस नाइन, इलामत चेंज हो गई। ठीक है, अब कितने पे जाएगा, फिर एक्स पे तकसीम हो रहा है तो एक्स पे तकसीम कर दे, दो एक्स की चार जमा सात एक्स की तीन माइनस नौ एक्स की क्या है,
यहाँ पर सिर्फ 9 है, तो 9x माइनस 9x को हम x के नीचे लिख लेते हैं। ये ले इलामते चेंज और ये हो गया जमा, पहली रकम कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस 4x की 3 माइनस 13x की 2 और ये क्या आ जाएगा जमा 2x जमा 15। अब देखें कितने पे जाएगा, माइनस 2 पे, तो माइनस 2 दुनी 4x की 3 माइनस 7 दुनी 14 x की 2, फिर माइनस 9 दुनी माइनस इंटू माइनस प्लस 9 दुनी 18। तो अब हम फिर क्या करेंगे, इलामते चेंज, क्योंकि तफरीक करना है तो इलामते चेंज, पहला कैंसिल, क्या रहा आ गया हमारे पास जमा 14 है और वहाँ पे माइनस 13 है, तो ये हमारे पास x की 2 और जमा 2x माइनस 3 ये आ गया है। तो अब ये छोटी रकम है उससे, तो अब हम क्या करेंगे उसको उतारेंगे, उसको उतारते हैं, तो ये 2x की 3 जमा 7x की 2 माइनस 9। देखें हम क्या मालूम कर रहे हैं, हम आदि आज़म मालूम कर रहे हैं, हमें मालूम करना था जुज़ा फ़ैकल, हम जुज़ा फ़ैकल डायरेक्ट नहीं मालूम कर सकते हैं इन दो अलजबरी जुमलों का, तो सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं, हम इनका आदि आज़म मालूम करते हैं, कितने पे जाएगा जी 2 पे गया, एक्स 2x की 3 हो जाएगा, 2x से ज़रब दिया, जमा 2 दुनी 4x की 2 माइनस 3 दुनी 6x जी, इलामते चेंज तो कैंसल, क्या रह गया हमारे पास 3x की 2 जमा 6x, ये दोनों आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते, वो नंबर है, ये 6x के साथ वेरिएबल है, तो माइनस 9 किस पे तकसीम होगा 3 पे, जमा 3 हम तकसीम कर लेते हैं, तो 3x की 2 जमा 3 दुनी 6x माइनस 3 थिया 9, तो इलामते चेंज कर दें तो कैंसिल हो गई, तो 0 आया, तो हमारे पास आदे आज़म, आदे आज़म क्या है हमारे पास, हम इसको h से ज़ाहिर करते हैं, वो है हमारे पास ये देखें हम यहाँ लिख लेते हैं, तो आदे आज़म हमने मालूम किया सबसे पहले, वो है हमारे पास x की 2 प्लस 2x माइनस 3। अच्छा जी हमने मालूम क्या करना है, जूज़ाफ़ेअकल हमें मालूम नहीं था, तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये h हम जो मालूम कर रहे थे ये फार्मूले के लिए कर रहे थे, फार्मूला हमारे पास है कि hl आदि आज़म ज़र्ब जूज़ाफ़ेअकल बराबर है किसके, a ज़र्ब b, ये ले ज़र्ब का निशान लगाए या ना भी लगाए तो वेरिएबल के दौरान वो ज़र्ब काउंट होते हैं, तो हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है l, तो हम जानते हैं पहली रकम a क्या है, ये है 2x की 4 जमा 3x की 3 3x की 3 माइनस 13x की 2 माइनस 7x जमा 15। अब दूसरी रकम क्या है वो भी हम जानते हैं, b क्या है, b की वैल्यू दर्ज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आया 2x की 4 जमा x की 3 माइनस 20x की 2 माइनस 7x जमा 24। ये लें हमने a और b की कीमतें, अब यहाँ पर h क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, तो हमारे पास L बराबर था AB/H, बटे में क्या है H क्या है आदि आज़म है, अभी हमने मालूम किया, तो क्या है हमारे पास x की 2 जमा 2x माइनस 3। अब हमने करना क्या है, हमने देखना है क्या इसके हम फैक्टर बना सकते हैं, अगर इसके बना सकते हैं तो या हमें इन दो को तकसीम करना पड़ेगा, हम ऐसा करते हैं कि इन दो को तकसीम कर लेते हैं जी, तकसीम करते हैं तो हमारे पास क्या है जूज़ाफ़ेअकल x की 2 जमा 2x
माइनस तीन। जी किसको तकसीम करते हैं? पहले जुमले को, दो एक्स की चार जमा तीन एक्स की तीन माइनस तेरह एक्स की दो माइनस सात एक्स जमा पंद्रह। जी सिंपल सी तकसीम है, हम इन दो को तकसीम कर लेते हैं। अब आए यहाँ पर तकसीम करते हैं तो कितने पे जाएगा? दो एक्स की दो, जी दो एक्स की चार, दो दुनी चार एक्स की तीन माइनस छ एक्स की दो। अब अलामतें चेंज, अब देखें ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या रह गया? माइनस एक्स की तीन। यहाँ पे क्या रह गया? माइनस सात एक्स की दो, माइनस सात एक्स जमा पंद्रह। अब आए सिंपल सी तकसीम है तो हमने क्या करना है? तो अब किस पे जाएगा? माइनस अलामत देखें, माइनस एक्स पे, दो एक्स मौजूद है, एक एक्स और, तो माइनस एक्स की तीन माइनस दो एक्स की दो माइनस इंटू माइनस प्लस तीन एक्स। अब देखें अलामतें चेंज, ये कैंसल, क्या रह गया है हमारे पास? पाँच एक्स की दो, जमा का या माइनस का? माइनस का। जी यहाँ पे क्या है? माइनस दस एक्स जमा पंद्रह। किस पे जाएगा? हमें चाहिए माइनस, किससे ज़रब दें कि पाँच आ जाए? तो पाँच से, माइनस पाँच एक्स की दो और जमा ज़रब माइनस, माइनस पाँच दूनी दस एक्स, पाँच दूनी दस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस पाँच या पंद्रह। अब आप इलामते चेंज कर दें और ये कैंसल, हमारे पास क्या जवाब आया? हमने इन दो को तकसीम किया तो हमारे पास आंसर आया दो एक्स की दो माइनस एक्स माइनस पाँच। जी इन दो को तकसीम किया, हमारे पास जवाब ये आया इंटू दो एक्स की चार जमा एक्स की तीन माइनस बीस एक्स की दो माइनस सात एक्स जमा चौबीस। तो ये है हमारा ज़ू ज़ाफ़िया कल जो कि हमने मालूम करना था। तो देखा स्टूडेंट आपने, जब भी हमें दो जुमले दिए गए हैं और वो इस तरह है कि बदरी तज़ी उनका नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले हम आदि आज़म मालूम करेंगे और हमने ज़ू ज़ाफ़िया कल मालूम करना था लेकिन सबसे पहले हम आदि आज़म मालूम करेंगे। तकसीम के कायदे से हमने ज़ू ज़ाफ़िया कल निकाला जो कि हमारे पास एक्स की दो जमा दो एक्स माइनस तीन आया। फिर हमने क्या किया? हमने फार्मूला इस्तेमाल किया कि आदि आज़म ज़रब ज़ुज़ा फ़ैकल बराबर है पहली कसीद अकवी ज़रबी दूसरी, तो ज़ुज़ा फ़ैकल मालूम करना है, ये इधर क्या हो रहा है? ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ यह तकसीम हुआ, हमने कीमतें दर्ज कर दी, ज़ुज़ा फ़ैकल बराबर है पहली कसीद अकवी ज़रबी दूसरी तकसीम है आदि आज़म। हमने इन दो जुमलों को आपस में तकसीम किया सिंपल तरीके से और जो हमारे पास आंसर आया दो एक्स की दो माइनस एक्स माइनस पाँच, ये हमने इसकी जगह लिख दिया और ये दूसरी कसी रकमी और ये हमारा ज़ुज़ाफ़ अकल है। तो इस तरह हम फार्मूला इस्तेमाल करते हुए नहायत आसानी से ज़ुज़ाफ़ अकल या आदि आज़म या कोई भी कसी रकमी जो कि हमें अननाउन हो वो मालूम कर सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 है कि मंदरजाज़े कसीर रकमियों का ज़ुज़ाफ़ अकल बज़रिया आदि आज़म मालूम करें। तो आदि आज़म के तरीके से मालूम करने का क्या मतलब है कि हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपने एक्स की चार माइनस एक और एक्स की चार जमा एक्स की तीन माइनस एक्स माइनस वन का आदि आज़म ज़ुज़ाफ़ अकल मालूम करना है लेकिन बज़रिया आदि आज़म। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन्हें नाम दे देते हैं। पहला कसीर रकमी जुमला है x की चार माइनस वन, दूसरा कसीर रकमी जुमला है x की चार जमा x की तीन माइनस एक्स माइनस वन। और हमारे पास हमने मालूम क्या करना है? हमने ज़ुज़ाफ़िया अकल मालूम करना है लेकिन ज़ुज़ाफ़िया अकल हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले हमें h मालूम करना पड़ेगा। अब आदि आज़म के तरीके से तो सबसे पहले हम इन दो जुमलों का आदि आज़म मालूम करते हैं। आइए तो x की चार माइनस वन और हम तकसीम कर लेते हैं इसको x की चार और x की जब x की तीन माइनस एक्स माइनस वन को x की चार माइनस वन पे,
तकसीम करते हैं, क्या मालूम करना है, आदि आजम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले आदि आजम बजरिया तकसीम निकालते हैं। तो हमने बड़ी रकम को अंदर रखा, छोटी रकम से तकसीम करते हैं तो कितने पे जाएगा, एक पे। तो x की 4 माइनस 1, इनसे को इनसे के नीचे रखें, ये ले अलामते चेंज, ये कैंसल, क्या रह गया, x की 3 माइनस x। फिर तकसीम होगा नहीं होगा, हमने ये रकम यहाँ लानी है क्योंकि आदि आजम का तरीका एक है, जब ये रकम छोटी हो जाए तो उसको हम यहाँ ले आते हैं, ये ले। तो अब तकसीम करें किस पे जाएगा, x पे। तो इस x की 3 को जब हम किस से ज़रब दें, x की 4 आ जाए, x से। तो x की 4 माइनस x की 2, तो अलामते चेंज, ये कैंसल, क्या आया, x की 2 माइनस 1। देखो ये उसी तरह माइनस 1 उसी तरह हमने लिख दिया। तो अब दोबारा क्या तकसीम हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों, ये रकम छोटी हो गई। हम क्या कर लेते हैं, इस रकम को यहाँ ले आते हैं। आदि आजम का जो तरीका है, x की 3 माइनस x, अब किस पे जाएगा, x पे तकसीम होगा, जी तकसीम कर दे, ज़रब दे इसे, x की 3 माइनस x। तो ये क्या हुआ हमारे पास, अलामते चेंज, x की 3 माइनस x। तो ये हमारे पास अलामते चेंज, ये कैंसल, तो हमारे पास ये आया सिफर। तो हमारे पास आदि आजम क्या है, x की 2 माइनस 1। अब हमें आदि आजम मालूम हो गया, वो क्या है, वो हमारे पास आया x की 2 माइनस 1। अब हम ज़ूज़ा फ़ैकल मालूम करेंगे, लेकिन कैसे मालूम करेंगे, हम जानते हैं फार्मूला, क्या है फार्मूला, एच एल आदि आजम ज़रबे ज़ूज़ा फ़ैकल बराबर है पहली कसी रकमी ज़रबे दूसरी। अब हमने मालूम करना है L, तो A ज़रब B, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ गया, ये तकसीम हो गया। तो अब हम इसमें कीमतें दर्ज कर लेते हैं, तो हमारे पास ज़ूज़ा फ़ैकल बराबर है पहली कसीर रकमी, ये लें x की 4 माइनस 1, और ये हमारे पास दूसरी रकम क्या है, ये लें x की 4 जमा x की 3 माइनस एक्स माइनस वन। अब आदि आजम कितना आया, x की 2 माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कौन कहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है, उसको कैंसिल कर लेते हैं या तकसीम कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी तज़ी करें तो शायद कैंसिल हो जाए, देखें x की 2 की 2 माइनस 1 की 2 और x की 4 जमा x की 3 माइनस x माइनस 1। क्या हाँ, हम x की 3 अगर मुश्तरक लें तो x जमा 1 यहाँ पर भी हो सकता है क्या, हम चेक कर लेते हैं। देखें अगर हम यहाँ पर x की 3 मुश्तरक लेते हैं तो क्या रहता है, x जमा 1, यहाँ पे अगर हम लेते हैं माइनस 1 मुश्तरक तो क्या बचता है, x प्लस 1, ये तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे आ जाएं, देखो x की 2 माइनस 1 की 2, तो अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें तो आ जाएं, आगे बढ़ते हैं, हम इसको हल करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया x की 2 जमा 1 और एक दफ़ा x की 2 माइनस 1, और ये हमारे पास आया x जमा 1 मुश्तरक आया, तो क्या रह गया, x की 3 माइनस 1। अब हम देखते हैं कि नीचे क्या है, x की 2 माइनस 1, तो x की 2 माइनस 1 और x की 2 माइनस 1 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, ये है हमारा, अगर हम इसकी तज़ी ना भी करना चाहें तो भी हम हल कर सकते हैं। तो हमारे पास x की 2 जमा 1, ये हम लिख सकते हैं x जमा 1 और x की 3 माइनस 1। अगर हम ना लिखना चाहें तो हम ये जुमला इसी तरह भी लिख सकते हैं, देखें x की 4 जमा x की 3 माइनस x माइनस 1। हम इसको इसी तरह रहने दे सकते हैं क्योंकि हमें काटना नहीं है। तो आपने देखा
के फार्मूले में कीमतें दर्ज करें और मुखरज में जो रकम हो उसकी तज़ी करें या ऊपर ताकि इस तरह से हो कि ये कैंसिल हो सके, तो हम इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास, हम इस तरह भी हल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका ज़ुज़ाफ़े अकल है जो कि हमने फार्मूले की मदद से नहायत आसानी से हल कर लिया। तो देखा स्टूडेंट आपने, जब भी हम हमें दो अलजबरी जुमले दें तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमें दिया कि मंदरजाज़िल कसीर रकमियों का ज़ुज़ाफ़े अकल बज़रिया आदे आज़म मान। तो सबसे पहले हम आदे आज़म इन दो जुमलों का मालूम करेंगे तकसीम के कायदे से। मालूम करने के बाद हम फार्मूले में कीमतें दर्ज करेंगे और जहाँ कैंसिल हो सके कैंसिल करके फिर हमारे पास जो रकम आएगी वो इसका ज़ुज़ाफ़े अकल कहलाएगा। डियर स्टूडेंट आइए एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्वेश्चन नंबर 8। पहली कसीर रकमी एक्स की 2 माइनस x माइनस 6 है और आदे आज़म और ज़ुज़ाफ़े अकल x-3 और x की 3 जमा 11 x की 2 जमा 12 x-12 हैं। दूसरी कसीर रकमी मालूम करें। आप देखेंगे कि हमारे पास पहली कसीर रकमी क्या है, वो है हमारे पास x की 2 माइनस x माइनस 6। आ जाए तो हमारे पास आदे आज़म, आदे आज़म को किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं, h से ज़ाहिर करते हैं, हाईएस्ट कामन फैक्टर। तो ये क्या है, x-3। अच्छा जी ये क्या है, ये ज़ुज़ाफ़े अकल, ज़ुज़ाफ़े अकल को किस से ज़ाहिर करते हैं, l से ज़ाहिर करते हैं, लीस्ट कामन मल्टीपल। तो ये हमारे पास x की 3 जमा 11 x की 2 जमा 12 x-12। आइए अब हम जानते हैं हमने मालूम क्या करना है, दूसरी कसीर रकमी b मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं, हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जो आदे आज़म और ज़ुज़ाफ़े अकल का ताल्लुक है कि ए ज़रब भी पहली कसीर रकमी ज़रब दूसरी बराबर है आदे आज़म ज़रब ज़ुज़ाफ़े अकल। तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है, वो क्या है, वो है हमारे पास ए ज़रब बी बराबर है आदे आज़म ज़रब ज़ुज़ाफ़े अकल। तो अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है बी, तो ए उसेट जाएगा क्या बनेगा, वो हमारे पास हो जाएगा तकसीम और यहाँ पे हमने ए लिखा। अब हम इसकी कीमतें दर्ज करते हैं। देखें आदे आज़म कितना है, x-3। तो आगे हमारे पास क्या है, ज़ुज़ाफ़े अकल क्या है, ये ले x की 3 जमा 11 x की 2 जमा 12 x-12। तो आ जाए बटे में क्या है हमारे पास, बटे में हमारे पास ए है पहली कसीर रकमी, वो है x की 2 माइनस x माइनस 6। हम जानते हैं कि हम इसकी तज़ी करते हैं और ये फार्मूला नहीं बन रहा है, मुश्तरक भी नहीं है, फार्मूला भी नहीं बन रहा है, तो हम क्या करें, इसकी पियर्स के तरीके से जोड़े बनाने के तरीके से हम करते हैं। तो 6 की तज़ी करें, 6 कम 6 3 दुनी 3 दुनी या 2 या 6, तो ये हमारे पास पेयर कौन सा जवाब बनेगा, ये तो नहीं बन सकता है, तो ये 2 और 3 है। लेकिन ये रकम, ये जो दरमियान वाली रकम है इसकी इलामत हमने बड़ी रकम को दे दी, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आ रहा है, 2 ज़रबे माइनस 3 ये -6 आ रहा है, बिल्कुल सही है। हम इसकी तज़ी कर लेते हैं, इसके पेयर हमने बनाए तो 2x पाए जमा 2x माइनस 3x माइनस 6, और ये हमारे पास मुश्तरक क्या आ रहा है, x जमा 2, और यहाँ पे क्या आ रहा है, x जमा 2। तो x जमा 2 मुश्तरक आ गया दोनों में, क्या है, x-3 जी। तो ये इसकी तज़िए है, हम इसकी ये तज़िए यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारे पास प्रोसेस में आसानी हो। तो x-3 और x की 3 जमा 11 x जमा 12 x-12। अब हमने करना क्या है, हमने इसकी जो तज़ी की यहाँ पर, ये यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी, क्या है, x जमा 2 और x-3। अब आप देखें x-3 x-3 से कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा है, x की 3 जमा 11 x जमा 12 x-12 तकसीम है x जमा 2। आइए देखो इन दोनों को सिंपल तकसीम करनी है, सिंपल तकसीम करते हैं x की 3 जमा 11 x, 11 x क्या है, 11 x की 2 है,
ये ज़हन में रखना है, एक छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को बिगाड़ देता है। तो ये एक दो पावर हमने नहीं दिया था, देखें एक्स की दो है तो किस पे तकसीम करना है, एक्स जमा दो पे। जी कितने पे जाएगा, एक्स की दो पे, तो एक्स की तीन जमा दो एक्स की दो। अब हमने करना क्या है, हमने तफरीक करना है, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा नौ एक्स की दो जमा बारह एक्स माइनस बारह। तो अब किस पे जाएगा, जमा नौ एक्स पे, तो नौ एक्स की दो जमा नौ दुनी अठारह एक्स। तो इलामते चेंज कैंसिल, ये माइनस कितना बनेगा, अठारह में से बारह आप तफरीक करेंगे तो ये हमारे पास आएगा छः एक्स माइनस बारह। कितने पे जाएगा, माइनस, इलामत वही छः पे, तो माइनस छः एक्स माइनस बारह, और यू इलामते चेंज, जी ये आ गया ज़ीरो। तो हमारा, हमने इन दो को तकसीम किया, क्या जवाब आया हमारे पास, हमारे पास आया एक्स की दो जमा नौ एक्स माइनस छः। तो ये क्या है, ये दूसरी कसीर रकमी है, तो बस दूसरी कसीर रकमी जुमला एक्स की दो जमा नौ एक्स माइनस छः है, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो देखा स्टूडेंट आपने, तो इस आदि आदम और ज़ूज़ फैकल के ताल्लुक को हम इस्तेमाल करते हुए ज़ूज़ फैकल नहायत आसानी से बज़रिया आदि आदम मालूम कर सकते हैं। तो ये है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो चीज़ दी गई है उन्हें लिखें, फार्मूला प्रॉपर इस्तेमाल करें, अगर तज़ज़िया हम यहाँ नहीं कर सकते, लंबा प्रोसेस होगा, तो सेट पैरा फॉर्मल में आप कर सकते हैं। उसके बाद सादा तकसीम है, सादा तकसीम कर लें, और यू जो जुमला आ गया हमारे पास वो दूसरी कसीर रकमी जुमला है। थैंक यू स्टूडेंट, इंशाल्लाह नए सेशन के साथ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।